अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली लवली सब्सक्राइबर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हांडी पनीर रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक पैन में 100 से 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और अगर आपको कोई और ऑयल लेना है तो आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप भर के, यानी कि एक बड़ी सी प्याज ले ली थी मैंने, वो पूरी एक कप है। तो उसको रफली चॉप किया है मैंने और इसको गरम तेल में आप डाल देंगे और इसका हल्का सा बस सौते करेंगे, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट करेंगे। हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम इसका बनाने जा रहे हैं पेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। तो अब एक कप मैं डाल रही हूँ टमाटर, दो बड़े साइज के टमाटर थे जो पूरा एक कप भर के हो गए। अब इनको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हम इनकी बनाएंगे अपने पनीर के लिए ग्रेवी। तो इन्हें सिर्फ ऐसे ही ट्रांसलूसेंट जैसा ही करना है। और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें क्योंकि हम बाद में पनीर में भी ऐड करेंगे मसाले के टाइम पर, तो कम ही नमक ऐड करें। इसमें मैंने डाल दिए हैं 10 से 12 काजू, ये डबल वाले हैं। अगर आपके सिंगल हों तो आप इनकी क्वांटिटी थोड़ी डबल कर लीजिएगा। बस इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस हमें इन्हें कोई कलर नहीं देना है, बस हल्के हल्के थोड़े से ये टेंडर हो जाएं। बाकी हम इन्हें पेस्ट बनाने वाले हैं, तो सारा ऑयल एक साइड से इकट्ठा करेंगे। इनका सारा ऑयल पहले रिलीज हो जाने देंगे, तब इनका सारा, जब इसको हम पहले ठंडा करेंगे, गरम जार में बिल्कुल नहीं डालेंगे हम इसको, नहीं तो हमारा जो जार का ढकना है वो थोड़ा सा इसकी भाप बन के उड़ सकता है। तो इसको अच्छे से पहले एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारा ऑयल इसमें पैन में ही रह गया, मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लिया है प्लेट में, सारा पैन में ही है। तो चलिए अब हम हांडी पनीर बना रहे हैं, तो उसके लिए ले ली है मैंने कच्ची हांडी और इसमें डाल रही हूँ 200 से 150 ग्राम तक ऑयल। आप अपने ऊपर है कि आप कितना ऑयल पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 150 से 200 ग्राम डाला है। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और नीचे से बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे, तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक टीस्पून डाली है मैंने ज़ीरा और 10 से 12 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 2 बड़ी बड़ी दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ मैं इस ऑयल में, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची डालूंगी और इन सभी जो खड़े मसाले हैं अच्छे से क्रैकल होने देंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखी है मैंने। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें थोड़ा सा तला लगाना ना भूलें, तला यानी कि मिट्टी लगाना ना भूलें, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो 2 टेबलस्पून करीब डाल दिया मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको भी अच्छे से भुनने देंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम हमें बिल्कुल नहीं करनी है मिट्टी की हांडी पर, नहीं तो ये चटक जाएगी। और जो हमने पेस्ट बनाने के लिए काजू, टमाटर और अनियन का जो पेस्ट बनाने के लिए रखा था वो मैं बना चुकी हूँ। अब इस सभी मसालों को हम एक साथ ऐड कर देंगे अपनी हांडी में, जो जिसमें हमने गरम मसाले और अदरक डाला था, बस उसी में ऐड करने के बाद इसको एक दो बार चलाएंगे और फिर ढककर रख देंगे अच्छे से पकने के लिए, इस मसाले को यानी कि भुनने के लिए। और जब ये आपको लगे थोड़ा थोड़ा सा पकना शुरू हो गया है, तो इसमें अब हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें नमक और 1/2 ही टेबलस्पून डाली है मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि इससे जो कलर है हमारे जो हांडी पनीर का वो अच्छे से इन्हांस हो गया है। और अब इन्हीं सभी मसालों को जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, हांडी में बहुत जोर से तले पर नहीं चलाना है। तो चलिए अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो इसका ढककर रखेंगे थोड़ी देर ये अच्छे से पकने के लिए, जो इनकी जो रॉनेस है सभी मसालों की वो निकल जाए। अच्छे से ढक देंगे बस इसको, फिर 5 से 10 मिनट बाद हम इसे खोलकर देखेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये मसाला पक रहा है। तो एक बार फिर से चलाएंगे बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 150 ग्राम योगर्ट, यानी कि वो वाली दही जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता, जिसमें पानी होता है उस दही को दही ही बोलते हैं,
कर्ड बोलते हैं और जिसमें पानी नहीं होता उसे योगर्ट बोलते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तले पर से अच्छे से चला लेंगे और वापस से फिर से इसको थोड़ी सी देर ढक कर रख देंगे इन सभी चीज़ों को एक साथ पकने के लिए, यानी कि दही मसाला और बाकी सभी चीज़ें अच्छे से पक जानी चाहिए। आप देख सकते हैं अच्छे से पक रहा है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी चंक्स ऑफ अनियन और चंक्स ऑफ कैप्सिकम। आपके अप टू यू कि आप कितना बड़ा इसमें पसंद करते हैं इसके चंक्स को। मैंने प्याज के तो थोड़े छोटे चंक्स डाले हैं और शिमला मिर्च के थोड़े बड़े, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से ढककर रखेंगे इन सभी चीज़ों को अच्छे से भुनने के लिए मसाले को। तो 5 से 6 मिनट बाद अब मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल ऑयली ऑयली हो रहा है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से भुन चुका है कि ऑयल सारा रिलीज कर चुका है हमारा सारा मसाला। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 3 से 4 साबुत मिर्चें, अगर आप चाहें तो इन्हें स्लिट करके भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 300 से 400 ग्राम पनीर के क्यूब्स। अब आपके ऊपर है कि आप कितना पनीर पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कीजिएगा, हमारे यहाँ तो पनीर बहुत पसंद किया जाता है। तो मैं इसमें 400 ग्राम पनीर बिल्कुल ऐड कर रही हूँ। इनके अच्छे से क्यूब्स काट लें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग और इन्हें एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से और हल्के हाथ से मिक्स करें, बहुत ज़ोर से मिक्स नहीं करना है ताकि हमारे जो क्यूब्स हैं वो एज इट इज़ रहें। अगर ज़ोर से मिक्स करेंगे तो ये क्यूब्स टूट सकते हैं। तो वापस से इसको ढक कर रख देंगे, कोई पानी नहीं डालना है। और ढकने से पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। मैं इसमें बिना रब किए कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तवे पर फ्राई कर रब करके ऐड कर सकते हैं। तो डालने के बाद मैं इसको फिर से ढककर रख दूंगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाए हमारा हांडी पनीर। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा हांडी पनीर। एक बार इसको चला लेंगे, इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स और डालना है जो इसको टेस्ट इन्हांस करने वाला है। वो थोड़ी देर और इसको कुक कर लें उसके बाद ऐड करेंगे। तो लास्ट मसाले का जो इंग्रेडिएंट है हमारा गरम मसाला, जो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छे से इन्हांस करने वाला है। इसको ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको फिर से थोड़ी सी देर बस ढक के रख देंगे ऑफ फ्लेम को ऑफ करने के बाद, ताकि ये बिल्कुल अपने आप में एडजस्ट हो जाए सभी चीज़। अब मैं इसको हल्का सा चलाकर वापस से फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ढक कर रख दूंगी। और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हांडी जब इस्तेमाल करनी है तो हमेशा उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर करनी है, तेज़ फ्लेम पर नहीं करनी है। अगर तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो हमारी हांडी जो है तेज़ फ्लेम की वजह से चटक सकती है और हमारी सारी कुकिंग एकदम स्पॉइल हो सकती है, यानी कि बर्बाद हो सकती है। हमेशा हांडी पर काम करना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। उसको ढक कर रखने के बाद फिर वापस से मैं आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इतना टैम्पटिंग हो रहा है माशाल्लाह से, माउथ वाटरिंग एकदम। इट्स रेडी टू सर्व, तो चलिए इसे जल्दी से सर्व करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सर्व दिस। तो आप देख सकते हैं मैं इसको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ, तो चलिए इसको सर्व करते हैं। बिल्कुल एकदम ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बस इसको ऐसे ही जल्दी से पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं फुल टू एक्साइटेड हूँ इसको सर्व करने के लिए अपनी फैमिली के लिए, वो भी वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली बार किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। तो फ्रेंड्स मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा।